एक बड़े पेड़ के घोंसले में नियो और उसकी माँ नीमा रहती थी। एक दिन नीमा ने नियो से पूछा, तुम अपने भाइयों और बहनों की तरह उड़ना क्यों नहीं सीखते? मैं वास्तव में चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। छोटे नियो ने उत्तर दिया, इसलिए जबकि अन्य युवा पक्षियों ने अपने पंखों का परीक्षण किया, नियो उसी पेड़ के डाल से अपना पंख हिलाए देखता रहा। उस दिन शाम होते ही जंगल में बारिश शुरू हो गई। नियो अपनी खिड़की से बाहर बारिश देखते हुए कहने लगा, हमारे घोंसले के बाहर इस पेड़ के पीछे पता नहीं क्या है। माँ, ओ माँ, क्या है नियो? ये बड़े पेड़ के पीछे क्या है? बताओ ना माँ। कुछ नहीं नियो, अब चुपचाप सो जाओ और मुझे परेशान मत करो। नियो बहुत उत्सुक था पेड़ के पीछे वाली दुनिया देखने के लिए, लेकिन उसके लिए उसे उड़ना सीखना होगा। नियो ने मन ही मन एक योजना बनाई और चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह नियो जा चुका था। माँ, नियो भैया कहीं दिख नहीं रहा। अरे हाँ हाँ बेटा, मैंने भी पूरा घर ढूंढ लिया, पता नहीं मेरा लाल कहाँ गायब हो गया। सुबह से ढूंढ ढूंढ के मेरी तो खून जल गई है। उसे तो उड़ना भी नहीं आता, ऊपर से ये बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इधर कई असफल प्रयासों के बाद नियो आखिर उड़ना सीख ही गया। नियो ने आज तक एक तालाब तक नहीं देखा था। तो सोचिए, समुन्दर के ऊपर उड़ान भरते हुए उसके छोटे से दिमाग में कितने सारे सवाल उत्पन्न हुए होंगे। यह क्या है इतना विशाल? यह समुन्दर है। हमारे पृथ्वी का लगभग 71% पानी से भरा है और सिर्फ 29% ही भूमि है। अरे बाप रे, इतना पानी है हमारे गोला में? मुझे तो लगा था पूरा गोला सिर्फ भूमि से ही भरा है। वैसे आप कौन हो? नियो ने पूछा। मैं ट्विटर हूँ, यही पास के गांव में रहती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो नीली पक्षी? मैं देखना चाहता था कि हमारे खिड़की के बाहर बड़े पेड़ के पीछे क्या है, और मेरा नाम नियो है, नीली पक्षी नहीं। ठीक है नियो, चलो मैं तुम्हें थोड़ी शेयर कराती हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें घर वापस जाना होगा। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए परेशान हो रही होंगी। इतना कहकर नियो और ट्विटर वहाँ से आगे बढ़े। नियो और ट्विटर ने साथ में कई जगहों पर उड़ान भरी। इतने लंबे समय तक उड़ान भरने के बाद वे दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए ट्विटर नियो को कुछ आराम के लिए अपने गांव के पास नदी किनारे ले गया। नियो, तुम ऐसे अकेले अकेले घर से निकल गए, तुम्हें डर नहीं लगा? हाँ ट्विटर, मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन हमारे घर के बाहर क्या है ये जानने की जो मेरी उत्सुकता थी ना, मेरी डर से बड़ी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी माँ और भाइयों को बिना बताए घर छोड़ने के लिए प्रोत्साहित हुआ और तुम मिल गए। दूसरी ओर नीमा ने नियो को ढूंढते हुए किसी भी पड़ोसी के घर को नहीं बख्शा। अंत में वह अपने पड़ोस के आखिरी घर जा पहुंची। हरि भैया, ओ हरि भैया। क्या हुआ नीमा, इतनी बारिश में तुम यहाँ? क्या बताऊँ आपको हरि भैया, मेरा नियो पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह से ढूंढ रही हूँ, अभी तो शाम होने को आई है। सबके घर पूछ लिया, आप एक आखिरी उम्मीद थे। क्या आज दिन भर में आपने मेरे नियो को कहीं देखा है? नहीं नीमा, मैं तो आज पूरा दिन घर में ही था, बारिश के वजह से कहीं निकला ही नहीं। नियो ऐसे कैसे बारिश में निकल गया, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? रोकता तो तब ना भैया, अगर वो मुझसे पूछ के जाते। सुबह उठ के देखा तो नियो गायब था, पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हाल ही में क्या उसने तुम्हें कहीं जाने के बारे में जिक्र किया था, या ऐसा कोई भी घटना हुआ हो? हाँ भैया, वो मुझसे बार बार पूछता रहता था कि हमारे खिड़की के सामने जो बड़ा पेड़ है उसके पीछे क्या है, लेकिन मैंने हमेशा कुछ नहीं बोल के उसको टाल दिया है।
ये मेरी ही गलती है कि आज नियो मेरे पास नहीं है। हाँ नीमा, जब बच्चे कोई सवाल पूछते हैं, तो वह अपने सीखने की सक्रिय भूमिका निभा रहे होते हैं। इसीलिए कभी उनके सवालों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि जब आप अपने बच्चों के सवालों को नजरअंदाज करते हो, तो एक तरह से आप उसे नजरअंदाज कर रहे हो। आप उसे महसूस करा रहे हैं कि वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई मायने रखे, कि उसकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का वास्तव में कोई महत्व ही नहीं है। यह उसके आत्मसम्मान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। निष्क्रिय जिज्ञासा के कारण बच्चे हमेशा प्रश्न नहीं पूछते। आप बिल्कुल सही कह रहे हो हरी भैया, मेरी ही गलती है। मैंने ही नियो के सवालों को नजरअंदाज किया, जिसके वजह से वो बिना कुछ बोले अपने सवालों का जवाब ढूंढने निकल पड़ा। पता नहीं अब मैं कहाँ ढूंढूं उसको। हे भगवान, मेरे नियो को जल्दी घर भेज दो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ नीमा, लेकिन तुम चिंता मत करो। हनुमान जी पर भरोसा रखो, उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करो कि हमारा नियो जल्द से जल्द घर लौट आए। देखना, वो जल्द ही लौटेगा। हाँ हरी भैया, अब मेरी आखिरी उम्मीद तो हनुमान जी ही है। मैं घर जाकर अभी दिया जलाकर उनसे विनती करूँगी कि मेरे नियो को जल्द से जल्द लौटा दे, और उनसे ये भी वादा करूँगी कि कभी अपने बच्चों को हल्के में नहीं लूँगी। उनके सारे प्रश्न आज से मेरे लिए महत्वपूर्ण होंगे। इतना कहकर नीमा वहाँ से निकल गई। हौसला रखना नीमा, नियो जरूर वापस आएगा। नीमा का दिल टूट गया, वो घर पहुँच के बहुत रोई। हे महावीर हनुमान जी, मेरे नियो को जल्दी से घर भेज दो। मेरे नियो को सही सलामत घर भेज दो हनुमान जी, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। आज के बाद मैं उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब तो शाम होने को आई है, अब तक नियो का कोई खबर नहीं। हे हनुमान जी, दया करो प्रभु, दया करो। नियो, नियो। तुम चिंता मत करो, नियो भैया जल्दी वापस आ जाएंगे। भरोसा रखो माँ, भरोसा रखो। नियो का भाई लियो ने काफ़ी कोशिश किया अपने माँ को समझाने, लेकिन नीमा अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। उसे मन ही मन ये डर सता रहा था कि क्या नियो कभी वापस आ पाएगा, क्या कभी वो अपने बेटे नियो का चेहरा देख पाएगी। नीमा को बहुत पछतावा हो रही थी यही सब सोच सोच के, वो अपराध बोध में दब गई थी। इधर ट्विटर के गांव के पास भी मौसम खराब होने लगा था। नियो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही होंगी, इधर बारिश भी होने वाली है। हाँ ट्विटर, मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है, पता नहीं वो क्या कर रही होगी, मेरे लिए परेशान हो रही होगी वो। मुझे ऐसे उन्हें बिना बताए नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर नियो और ट्विटर आगे बढ़ने लगे ही थे कि तभी वहां अचानक एक विशाल गिद्ध आ पहुंचा। अरे वाह, क्या अच्छा दिन है आज तो, इतने स्वादिष्ट भोजन, वो भी मेरे सामने। मुझे माफ कर देना बच्चों, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, तो बताओ पहले किसको खाऊं, छोटे मियाँ को या बड़े मियाँ को। नहीं नहीं गिद्ध चाचा, हमें बख्श दो, हमारी माँ हमारा इंतजार कर रही है। और मैं तो अपनी माँ को बिना बताए ही घर से निकल गया था सुबह सुबह, वो मेरे लिए बहुत परेशान होंगी। प्लीज हमें जाने दो, हम आपसे हमारे जीवन की भीख मांगते। इतने में बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन तुम्हें बख्श दिया तो मैं आज भी भूखा रह जाऊंगा, और मैं 3 दिन से भूखा हूँ। अपने पेट को भूखा रखकर मैं तुम लोगों को क्यों जाने दूँ? क्योंकि हमारी माँ हमारे इंतजार कर रहे हैं। और एक माँ को दुख पहुँचा के कोई भी कभी खुश नहीं रह सकते हैं।
आप भी तो किसी के बेटे हो, आपकी माँ भी आपके लिए परेशान होते होंगे जब आप घर जल्दी नहीं पहुँचते हो। अरे ओ नीमा, नियो घर आया क्या? अरे पिंकी मौसी, आइए आइए। नियो अभी तक तो नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। मुझे मेरे हनुमान जी पे पूरा भरोसा है। आप सही वक्त पे आए हो। मैं मेरे नियो के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, आप भी थोड़ा चख के जाना। वो सब तो ठीक है नीमा, लेकिन तुम इतना चिंता मुक्त होके कैसे बैठे हो? तुम्हारे बेटे को गए हुए बहुत समय हो गया है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। भगवान ना करे कोई अनहोनी ना हो जाए। पिंकी मौसी, अगर मेरे चिंता करने से नियो को आना होता तो वो कब का आ चुका होता। मैं चिंता मुक्त इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। नियो जरूर घर वापस आएगा, आप देखना। नीमा को इतना कम परेशान देखकर पिंकी मौसी ने सोचा कि नीमा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसके लिए चिंतित थी और नियो के वापस आने तक वही रहने का फैसला किया। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या नीमा का भरोसा जीतेगा या पिंकी मौसी का डर? कृपया अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में साझा करना ना भूलें। हमारी कहानी का दूसरा भाग बहुत जल्द आ रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया बेझिझक उन्हें साझा करें ताकि हम आने वाली सभी कहानियों के साथ और बेहतर हो सके। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।